तो हेलो जी, कैसे आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के संस्कृत चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और नए अंदाज में, क्योंकि हम जो आपको जो है ये जो क्वेश्चन कराने वाले हैं पूरा बुक का सारा क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है ना, डायरेक्ट बुक का ही सवाल जो है आपको अदर चीज़ों में भी पूछ देता है सब्जेक्टिव टाइप पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मंगलम चैप्टर, जो कि क्लास टेंथ का जो है पहला चैप्टर है, इसको हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि एकदम पूरा फुल हमारा जो है क्वेश्चन आंसर होने वाला है ना। अगर आप भी आपका भी उम्मीद है कि 90% प्लस हम लोग जो है मार्क्स लाएँ, तो आप हमारे जो है विनर बैच से ज्वाइन हो जाए, जो कि इस वर्ष जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स चल रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। हमारा जो है क्लासेज भी चल रही है अभी जो है 7:30 से 8:30, जो कि आपको जो है मैथ संस्कृत और हिंदी का दिख रहा है ना। तो हम आपको मैथ संस्कृत हिंदी के लिए आपको जो है, बाकी सब जो है टीचर आपको जो है साइंस SST के लिए भी हैं, जो कि मज़ा आएगा पढ़ करके। जैसे ही आप जो है बुक में जाइएगा साहब, सबसे पहले जो है मौखिक तौर पे जो है सवाल पूछने के लिए होता है, जो कि आपको जो है ये सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि मौखिक सवाल जो है लिखित तो होता नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स या अदर चीज़ दे करके आपको पूछे। तो जितने भी एक पद में उत्तर देने वाला में रहेगा, है ना, एक पद में उत्तर बोले, है ना, ये हमारा यहाँ से पता चल रहा है, एक पदेन उत्तर रम जो हमारा जो है बदत लिखा हुआ है, यानी कि एक पद में, पद में शब्द हुआ, एक शब्द में ही उत्तर देना है। आप चाहते तो वाक भी बना सकते हैं, जैसे हमारा जो है हिरण मयन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम, यानी कि हिरण मयन पात्र से, यानी कि सोने के पात्र से जो है किसका मुंह जो है ढका हुआ है, ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए तो साहब, सोने के पात्र से किसका मुँह ढका हुआ था? तो वो हमारा जो है सत्य का मुंह ढका हुआ था। तो यहाँ पे जवाब हो गया सत्य का सत्यस्य, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हिरण मयन पात्रेन सत्यस्य मुखम अपिहितम, है ना, ये भी लिख सकते थे, लेकिन इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो है एक पद में उत्तर देने के लिए बोला है, तो उतना क्यों करने जाएंगे जी, है ना, जितना काम लायक है उतना ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा हमारा जो है, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपाविरुनु, है ना, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे जो है हटा देना चाहिए, है ना। तो हमारा जो सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए जो है वो हमारा जो है हिरण मयन पात्रम को हटाना चाहिए, है ना, यानी कि हमारा जो है जो सोने का जो है पात्र जो है ढका हुआ है उसको जो है, उसी पात्र को जो है हटा देना चाहिए सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए, है ना। तो सत्य धर्माय प्राप्ते हिरण मय पात्रम अपाविरिनु, है ना, ये भी हम लोग जो है लिख सकते थे, अगर जो है ये एक वाक में हमारा जो है बोलता तब, है ना, एक पद में बोला है तो हम लोग सिर्फ पद में दे रहे हैं। चलिए तीसरा हमारा जो है गम में है कि सत्यस्य मुखम केन आच्छादित मस्ति, है ना, हमारा जो है सत्य का मुख जो है किससे हमारा जो है ढका हुआ है ना, या छाया हुआ है, तो हिरण मयन पात्र से, है ना, हिरण मयन पात्र से, यानी कि हमारा जो है सत्यस्य मुखम हिरण मयन पात्रेन आच्छादित मस्ती, है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा जो है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है जी, तो हिरण मयन पात्र से हमारा जो है ढका हुआ है जी। चलिए महत्व महियान कह जी, है ना, हमारा जो है महत्व महियान आत्मा, है ना, आत्मा हो जाएगा यहाँ पे, कह तो आत्मा, है ना, चलिए महत्व महियान का तो आत्मा हो जाएगा, अनु अनियान का यानी कि छोटा से भी छोटा क्या है, बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है, दोनों में हमारा जो आत्मा हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछेंगे, तो आप जो है बिल्कुल बेफिक्र रहे कि हमारा जो है हिरण मयन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का ढका हुआ है, दूसरा सद्धर्माय के धर्म के प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो हिरण मयन पात्र को हटा देना चाहिए, हमारा जो सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है, तो हिरण मयन पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, महत्व महियान यानी कि विशाल से विशाल, बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा है, है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा भी हमारा जो क्या है, आत्मा है, ये आंसर हो गया। चलिए पृथ्वी व्यादे महत परिमान युक्तात् पदार्थात् महत्र का, यानी कि हमारा जो है पूरे पृथ्वी पे अगर जो है देखा जाए तो सबसे विशाल हमारा जो है पदार्थ, जो कि हमारा जो है विशाल से भी विशाल कौन है, ये हमारा जो है आत्मा माना गया है, तो हमारा जो है हमारी आत्मा, है ना। तो ये हमारा जो है पहला जो मौखिक टाइप पे आपको जो है बुक में प्रश्न पूछे गए उसी प्रश्न को हम लाए, और बुक में जितना प्रश्न है सारे प्रश्न लाए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ देंगे, है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाते हैं इसी से। फिर इसमें हमारा जो है 6 में हमारा जो है पूछा गया है कि कीदृश पुरुष निजेंद्रिय प्रसादात आत्मन महित मान
पश्यति शोक रहितश्च भवति, है ना। तो हमारा जो कीदृश पुरुष को, कैसे पुरुष हमारा जो है अपने ज्ञान इंद्रियों को आत्मा महान रूप से हमारा जो है शोक रहित होकर के देखते हैं, तो हमारे जो विद्वान पुरुष जो होते हैं वो हमारे देख पाते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे विद्वाना हो जाएगा, है ना। कैसे पुरुष जो हमारा जो है शोक रहित होकर के हमारे जो है इतने महान आत्मा को जो है ज्ञान इंद्रियों को के द्वारा जो है देख पाते हैं, तो विद्वान लोग हुए, है ना, विद्वान पुरुष हो जाएगा। तो विद्वान पुरुषा निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मन महिमान पश्यति शोक रहितश्च भवति, है ना, ये हमारा हो जाएगा। चलिए, किं जयं प्राप्नोति, है ना, तो किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है जी, है ना। तो सत्य की जय यानी कि सत्य की जय प्राप्त होती है, यानी कि की जयं प्राप्त होती है तो सत्यम जयं प्राप्नोति हो जाएगा। की जयं न प्राप्नोति जी, है ना, तो असत्यम जयं न प्राप्त होती है ना, ये हम जो है यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि असत्य का जो है जय नहीं हो सकता। यानी कि कौन हमारा जो है जीतता है, तो हमारा सत्य जीतता है। कौन हमारा जो है जीत नहीं सकता, वो हमारा जो है असत्य नहीं जीत सकता। का नम रूपचि बिहाया समुद्री अस्तम गछंती, है ना, हमारा जो है कौन से नाम रूप को त्याग करके समुद्र में जा करके मिल जाती है, तो कौन हमारा जी नदियाँ, है ना, कौन हमारे जो है नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ, है ना। ये हमारा पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप पे सवाल, याद रखिएगा। कौन हमारे जो अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ मिल जाती है जी, है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन आंसर जो कि मौखिक तौर पर देना था। अब जो है थोड़ा सा देखते हैं, एतेषां पदानां प्रथमं जन्म मौखिक रूपेण पुर्यता, यानी कि जो है यहाँ पे जो हमारा जो खाली स्थान दिख रहा है ना, इसमें कौन सा हमारा जो शब्द आएगा इसको देखना है। तो इसके लिए देखिए साहब, फिल इन द ब्लैंक्स कभी भी आप चाह रहे हैं कि आपको जो है बेहतरीन ढंग से जो है बने, तो इसके लिए आपको जो है श्लोक याद होना चाहिए। जैसे आपका पहला श्लोक है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् पावरेणो सद्धर्माय दृष्टे, है कि नहीं, ये याद अगर है तो हिरण्मयेन पात्रेण से जो भी आएगा उसको आप जो है बना लीजिएगा। तो इसलिए हम कहेंगे, हमारे टीचर भी हमको जो है पूरा बेहतरीन ढंग से पांचवा श्लोक याद करवाए थे, बहुत सौभाग्य है उन्हीं के चलते हमें आज भी याद है। आपको भी हम बोल रहे हैं, हमारे तरफ से सजेशन है, आप जो कैसे भी तोड़ तोड़ के आप जो है इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये हमारा जो है मौखिक तौर पे जो है भरने के लिए पूछे कभी भी, तो आप जो है बता, ऐसे ही आपको जो है सवाल भी पूछ देता है ना, ऐसा नहीं सोचिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो ऐसे ही डॉट 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 करके बोलेगा और बोलेगा कि ये खाली स्थान में कौन सा पद आएगा। आप जो है, आप तो पढ़े रहिएगा नहीं, पूरा याद करिए हुए रहिएगा नहीं, अरे भाई यहाँ पर क्या आएगा रे, है ना, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जो याद रखें, तो हिरण्मयेन इसके साथ जो हिरण्मयेन पात्रेण आएगा जी, हाँ, तो ये हमारा जो पात्रेण यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आप जो यहाँ पे हिरण्मयेन पात्रेण लिखिएगा, है ना। फिर उसके बाद अनोअनियान, इसके साथ हमारा जो क्या आएगा, ये अनोअनियान तो हमारा हो ही गया, ये हमारा तो होगा नहीं, है ना, तो हमारा जो महतो महियाना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, महतो महियाना, है ना, ये याद किए होंगे, अनुहनियाना महतो महियाना, है ना, ये हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने जो है सत्यमेव जयते, और हमारा जो इसके साथ हमारा जो है ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो लिखा हुआ ही है, ना निरितम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना निरितम हमको जो है लिखना है, है ना, आप चाहे तो इसमें से पसंद भी कर सकते हैं, क्या है, यथा नदा, फिर उसके बाद जो है स्यंदमाना, यथा नदा तो लिखा हुआ ही है, ये नहीं होगा, तो स्यंदमाना यहाँ पर हो जाएगा, स्यंदमाना ये हमारा हो जाएगा। वेदा हमें तब, और यहाँ पे हमारा जो है वेदा हमें तब महंतम नहीं होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वेदा हमें तब पुरुषम महंतम हमारा जो हो जाएगा, है ना, पुरुषम महंतम महंतम ये हमारा हो जाएगा, पुरुषम महंतम, वेदा हमें तब पुरुषम महंतम हमको याद था इसलिए जो यहाँ पे लिख दिए। अगर जो आपको अगर नहीं देता है ना, यहाँ पे महंतम लिखा हुआ सिर्फ है, तो आप जो महंतम भी सिर्फ बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई लोग जो कहेंगे, ए टीचर हमको तो मास्टर यही बताया रे, तू तो यहाँ से बता रहा है, तो वेदा हमेतम पुरुषम महंतम ये वाक को हमारा जो पूरा करना था इसलिए हम पूरा बता रहे, नहीं तो आपको अगर इसमें से सेलेक्ट करने के लिए कि इसी दोनों में से सेलेक्ट करना है, तो वेदा हमेतम तो होगा नहीं, तो महंतम कर सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरह से आप बनाए होंगे, सारा पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जा करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मर्दे, है कि नहीं? इसको ला तो कोई जिंदा नहीं है, स्क्रीनशॉट धर कर दम खिंचा दीजिए दम धर के, है कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग जो है तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि एतेषां पदा नाम अर्थ बदत, है ना? यहाँ पे जो शब्द जितना सारे दिख रहे हैं ये सब शब्दों का जो है अर्थ बताना है आपको। तो देखिए साहब, अपिहितम, अपिहितम जो वहाँ पे आप देख रहे थे इसका मतलब होता है ढका हुआ, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नहीं भी लिखा रहेगा तो आप याद रखिएगा, अपिहितम मिस होता है ढका हुआ होना, है ना? यानी कि पहला का क्या हो गया, अपिहितम मिस ढका हुआ, है ना? तत्, तत् मिस क्या होता है, यहाँ पे तत् मिस वह होता है जो कि हमारा जो है नपुंसक लिंग के लिए हमारा जो यूज होता है ना, यहाँ पे हिरणमय पात्र जो हुआ एक तरह से नपुंसक लिंग है, इसलिए जो है तत्व हमारा जो यहाँ पे बोला गया, तो तत् मिस हमारा जो है वह हो गया। सत्य धर्माय यानी कि सत्य धर्म के लिए हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हमारा हो गया। अनोन्यान का मतलब जो है सूक्ष्म से भी, सूक्ष्म हमारा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म कह सकते हैं। अक्रतु है ना, अक्रतु मिस हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, है ना? अक्रतु मिस क्या होता है, विद्वान होता है, याद रखिएगा। वित्त शोक मिस हमारा जो है शोक रहित होकर के, है ना, ये हमारा जो है वित्तः देवयाना यानी कि प्रसिद्ध या हमारा जो है फैला हुआ होना हमारा जो है देवयाना, है ना? वित्तः देवयाना यानी कि देवों तक फैला हुआ है, या हमारा जो है यहाँ पे हम जो है बोल सकते हैं हमारा जो है कहाँ तक फैला हुआ है, देवों तक फैला हुआ है। चलिए यहाँ पे हमारा जो है आगे हमारा जो है क्या है जी, अगला हमारा जो है यहाँ पे अगला देवयाना हमारा जो यहाँ पे हो गया, आप्त कामा हमारा जो यहाँ पे, है ना? आप्त कामा जो है यहाँ पे इसका मतलब हुआ, आप्त कामा का मतलब मोक्षार्थी लोग हो गया, है ना? यहाँ पे हमारा जो है स्यंदमाना हमारा जो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो है बहती हुई हमारा जो हो जाएगा, अपनाए मिस हमारा जो है प्राप्ति के लिए हो गया। अब जो आपके मन में है कि स्वर्ग लोक हमारा जो क्या किसको बोला जाता है, तो ये हमारा जो है देवयाना को ही स्वर्ग लोक बोला जाता है, देवयाना, है ना, इसको ही स्वर्ग लोक बोला जाता है। तो हमारा जो है यहाँ पे जो है वित्तः मिस फैला हुआ या प्रसिद्ध होना होता है, है ना, और देवयाना मिस हमारा जो क्या हो गया, स्वर्ग लोक हो गया। ये हमारा जो यहाँ से समझ लीजिएगा, ये हमारा जो है कोमा यहाँ पे छुटा हुआ यहाँ पे है इसलिए, है ना? तो आप जो समझ गए, अपिहितम मिस ढका हुआ होना, तत्मिस वह सद्धर्माय मिस सद्धर्म के लिए, अनोन्याना मिस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अक्रतु मिस हमारा जो है हमारा क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। वित्त शोक मिस हमारा जो है शोक रहित होकर के, वित्तः मिस हमारा जो है फैला हुआ है, देवयाना मिस हमारा जो है स्वर्ग लोक हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आप्त कामा का मतलब हुआ मुछार्थी लोग, है ना, स्यंद एमाना हमारा इसका मतलब हुआ बहती हुई, और हमारा जो अपनाए मिस प्राप्ति के लिए, याद रखिएगा। चलिए अब आगे जो हमारा जो है स्व अस्मिता कंचित संस्कृत तरा प्राप्त श्राव्यात, है ना, ये हमारा जो बोला जा रहा है कि हमारा जो है यहाँ पे संस्कृत में जो है बोलना है इसको, है कि नहीं? चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा जो है कहाँ से लिखा गया, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चक्षका त्वमेव, त्वमेव सर्वमं दमं देव देव, है ना? ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा जो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है खुद से जो है इस कविता को जो है संस्कृत प्रार्थना को जो है सुनना है और याद करना है, बस ये हमारा जो है यहाँ से बोल रहा है। तो त्वमेव माता, ये तो आप इसका अर्थ जानते होंगे, त्वमेव माता का मतलब तुम ही माता हो, च च मिस और होता है, और पिता तुम ही हो, है ना? त्वमेव विद्या तुम ही हो विद्या, द्रविणं त्व, द्रविणं मिस धन होता है, धन भी तुम ही हो, त्वमेव बंधुश्च यानी कि तुम ही भाई हो, सखा त्वमेव सखा मिस यहाँ पे दोस्त होता है, दोस्त भी तुम ही हो, है ना? त्वमेव सर्वमम, है ना, तुम ही हमारा जो सब कुछ हो, मम देव देव, है ना, आपको मतलब जो है नमस्कार है हमारे तरफ से, है ना? तो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ या एक बार जो सुन करके मतलब जो है याद करना था, ऐसे था। अब जो हमारा जो है वो सुनने वाला और बोलने वाला जो है ख़त्म हो गया, अब जो है आपके सामने जो है लिखित वाला चीज़ है, अब जो है लिखना है आपको कॉपी पे। चलिए तो लिखने वाला में एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। चलिए, सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम जी, तो हिरणमयन पात्रेन पहले हम लोग देख चुके थे कि सत्य का मुख जो है हिरणमयन पात्र से ढका हुआ। पूसा कस्मय सत्यस्य मुखम अपावृणुयात, है ना, तो हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है पूसा कस्मय सत्यस्य मुखम अपावृणुयात, है ना, हमारा जो है पूसा यानी कि सूर्य जो है किसमें सत्य का मुख जो है हटाने को कर रहा है, तो मध्यम में, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है मध्यम हमारा जो है खास करके बोल सकते हैं सोने के पात्र को, है ना, यानी कि हमारा जो है मध्यम में हमारा जो है यहाँ पे
लिखा गया है ना, तो ये भी बोल सकते हैं। नहीं तो आप जो मध्यम में हमारा जो किसको मतलब जो सत्य का मुख जो है अपा ब्रिनवात, यानी कि सत्य का मुख किससे मतलब जो है हटाने को बोल रहा है, तो सत्य सत्य में हमारा जो है यहाँ पे बोल सकते हैं क्या हिरण में है ना, रुक जाइए है ना, अगर जो ये मध्यम अगर जो नहीं आप बोलिएगा तो हिरण में पात्र को है ना, हिरण में ये हमारा जो है ये बोल सकते हैं ना। तो पूसा कस्मे सत्यसी मुखम अपा ब्रिनवात, तो हमारा जो हिरण में हमारा जो बोल सकते हैं या तो मध्यम यानी कि में। चलिए कह महत्व महियाना अस्ति, तो आत्मा महत्व महियाना अस्ति, किम जयते जी तो सत्यम जयते जी, नध के बिहाय समुद्रे स्तम गच्छन्ति तो नाम रूपे बिहाय समुद्रे स्तम गच्छन्ति है ना, नदी हमारा जो किसे त्याग करके नाम रूप को त्याग करके। चलिए आगे चलते हैं अगला आपके सामने, अगला है ना, अगला है कि हमारा जो साधक पुरुषम विदित्वा कम अतीति, तो हमारा जो है तो जो साधक पुरुष होते हैं वो हमारा जो है अपने विद्वानता से किसको जो है त्याग देते हैं, तो हमारा जो मृत्यु है ना, मृत्युयम हो जाएगा यहाँ पे। देवयाना पंथा केन विदता अस्ति, हमारा जो है देवों के पंथ में हमारा जो है कौन हमारा जो है विदता है, तो सत्य हमारा जो है ये हमारा जो है ले जाता है ना, तो ये हमारा जो सत्य न हो जाएगा। देवयाना पंथा केन विदता अस्ति तो सत्य न हो जाएगा। चलिए दूसरा इसी में लिखित में हमारा है अधुलिखित उदाहरणम अनुसृते पदस्थ प्रश्न नाम उत्तरानी पूर्ण वे लिखित है, यानी कि यहाँ पे आधा लिखा हुआ है इसको पूरा लिखना है। चलिए तो पूछा गया है यहाँ पे कि सत्यस्य मुखम केन विधिना अपहितम अस्थि, तो इसको कीजिएगा सत्यस्य मुखम हिरणमयन पात्रेना अपहितम अस्थि है ना, ये हमारा होगा। हालांकि आपको जो है संस्कृत में आपको आंसर क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, हिंदी में पूछेगा कि सत्य का मुख जो है किस विधि से हमारा जो है ढका हुआ है, तो यहाँ पे सत्य का मुख जो है हिरणमयन पात्रेन का मतलब जो है विधि से ढका हुआ है यहाँ पे है ना, तो सत्य का मुख जो हमारा जो है हिरणमयन पात्रेन से। कस गुहायाम अनुहन्याना आत्मा निहिता अस्ति है ना, तो हृदय स्व गुहायाम अनुहन्याना आत्मा निहिता अस्ति, यानी कि किसके हमारा जो है गुहा में हमारा जो होता है, यानी कि हमारा जो अंदर हमारा जो है छोटा से भी छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारा जो आत्मा हमारा जो निवास करता है, तो हृदय हमारा जो स्वयं हमारा जो हृदय में हमारा जो आत्मा निवास करता है ऐसा बोला गया इसमें। चलिए विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपेति है ना, तो विद्वान नाम रूपात विमुक्त भूत्वा प्रात परम पुरुष उपेति है ना, विद्वान जो है किसे भूल करके त्याग करके जो है अपने आप को जो है मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो नाम रूप को है ना, नाम रूपात हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो। चलिए अगला आपके सामने ग नंबर, आप्त कामा ऋषिया केन पंथा सत्यम प्राप्नवंती, यहाँ पे आप्त कामा हमारा जो है ऋषिया देव या नैन पंथा सत्यम प्राप्त मंती है ना, यानी कि देवयाना हमारा जो स्वर्ग लोक भी बोल सकते हैं है ना, स्वर्ग लोक या मोक्ष की प्राप्ति बोलिए जो भी है ना, तो स्वर्ग लोक की हमारा जो स्वर्ग लोक ये हमारा, तो हमारा जो आप्तकामा ऋषि हमारा जो है जो होते हैं वो हमारे जो स्वर्ग लोक को हमारा जो सत्य से प्राप्त करते हैं ना, ये हमारा यहाँ पे है। चलिए विद्वान के दृश्य पुरुषम वेति, तो विद्वान प्रात परम दिव्यम पुरुष वेति है ना, हमारा जो विद्वान प्रात परम दिव्यम पुरुष वेति ये याद रखना है। चलिए आगे संधि विच्छेद से है कि संधि विच्छेद करना है, देखिए तो कस्यापि हितम ये हमारा क्या क्या चीज़ से मिला हुआ है, तो देखिए कस्य यहाँ पे एक मिल रहा है इसमें अपि हितम लगा हुआ है, तो कस्य प्लस अपि हितम से बना हुआ है। जंतुर निहिता इसका हमारा जो क्या चीज़ है, तो जंतु जोड़ हमारा जो निहिता से बना हुआ है, जंतुर निहिता है ना। उपैति का अगर जो है आपको संधि विच्छेद करने के लिए बोले तो उप जोड़ एति हमारा जो उपैति हो जाएगा जी है ना। अनोर नियाना का मतलब है अनोह जोड़ अनियाना हमारा जो है ये दोनों मिलकर के बना हुआ है, ये हमारा संधि विच्छेद में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है VBI, आप समझिए है ना। आप ये नहीं समझिए कि आपका जो है व्याकरण जो दूसरा जगह से आता है, यहीं से आपके बुक से ही आता है, आपको पता नहीं चल पाता है ना। ये कई बार हम जो है ये देखे हुए हैं कि अनोह प्लस अनियाना का हमारा जो क्या हो जाएगा संधि, और इस ये दे करके संधि विच्छेद पूछता है अनु प्लस अनियाना है ना, तो आपको बताना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, याप्त कामा का हमारा जो है संधि विच्छेद करना है, तो ही जोड़ आप्त कामा हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा है ना, ही जोड़ आप्त कामा से हमारा जो है याप्त कामा हो जाएगा। चलिए चौथा हमारा जो है प्रकृति प्रत्यय
निर्देशांक कुर्ति है ना, प्राकृतिक हमारा जो प्रत्यय बतावे, प्रत्यय हमारा जो इसमें से कौन सा लगा हुआ है प्रत्यय जी, तो अपि हितम हमारा जो ढका हुआ है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अपि ही जोड़ कतः प्रत्यय है ना, कतः प्रत्यय लगा हुआ है हितम है ना, ऐसे भी म लास्ट में आता है तो उसमें कतः प्रत्यय होता है ना। चलो निहितः में हमारा कौन सा प्रत्यय है, तो निहि जोड़ हमारा जो कतः, यहाँ पे भी कतः प्रत्यय लगा हुआ है। विमुक्तः है यहाँ पे हमारा, इसमें कौन सा प्रत्यय है, बी जोड़ मु जोड़ हमारा जो कतः है, हमारा जो लगा हुआ है कतः प्रत्यय है ना। तो तीन में हमारा जो कतः प्रत्यय है, अपि हितम निहितः अभिमुक्तः, ये सब में हमारा जो क्या है कतः प्रत्यय हमारा है। और उसी तरह से हमारा जो वित्तः भी है, ये जो है बी बी जोड़ हमारा जो त जोड़ कतः है ना, ये हमारा जो लगा हुआ है तब जो है हमारा जो कतः प्रत्यय, बिहार में हमारा जो लप लेअप प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो प्रत्यय पे हम जो वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ऐसे याद रखिए कि अपि हितम निहितः विमुक्तः है और वित्तः, सब में हमारा जो कतः प्रत्यय है ये हमारा जो है चारों में, और एक में बिहार में हमारा जो है लेअप प्रत्यय है। प्रत्यय पे हम ट्रिक वाला वीडियो लाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अगला आपके सामने जो है पचमा, समास विग्रह करना है जी। चलिए अनिरितम, ये न निरितम यम नैय समास हमारा जिसमें है, आज इसमें भी लग जाता है वो नैय समास होता है, ये तो पता होगा। तो समास यहाँ पे पहचान भी ले रहे हैं और इसका जो हम लोग जो है समास विग्रह भी कर दे रहे हैं, तो समास विग्रह ही यहीं तक इसका आंसर है, लेकिन एक्चुअल में हम जो है समास पहचान भी ले रहे हैं कौन सा समास है कि नहीं। तो ये हमारा नैय समास का उदाहरण है जिसमें न निरितम यम है ना, ये हो जाएगा। चलिए आदित्य वर्णम, इसको हम लोग जो कैसे करेंगे, तो आदित्यस्य वर्ण यानी कि मतलब जो है सूर्य का प्रकाश, यम तत् इसको मतलब जो है लिख सकते हैं, नहीं तो हम जो है यहाँ पे बहुव्रीहि समास बोलेंगे ना। आदित्य वर्ण सूर्य के प्रकाश से हमारा जो है, ये हमारा जो है सूर्य को इंडिकेट कर रहा है। चलिए वित्त शोक हमारा जो है व्यतीत शोक या स है ना, ये बहुव्रीहि समास से भी हमारा है। वित्त शोक विद्वान पुरुष के बारे में बोला गया है ना। देवयाना देवयाना देव यत्र याना करोति है ना, ये हमारा जो इसमें अगर जो है बोला जाए तो संस्कृत में पदलोपी समास या मध्य मध्य हमारा जो समास जो हमारा जो माना जाता है, ये हमारा जो देवयाना में है। तो अब देखिए हमारा जो अंगम में, ये हमारा जो पचवा में हमारा जो नानिया है, नानिया हमारा जो न अनिया या, ये हमारा जो बहुव्रीहि समास है। तो हमारा यहाँ पे बहुव्रीहि कितना दिख रहा है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि हमारा आदित्य वर्ण बहुव्रीहि है, उसके बाद हमारा जो वित्त शोक और नानिया, ये हमारा जो बहुव्रीहि समास है। याद रखिएगा नानिया वित्त शोक और आपके सामने अगर आदित्य वर्णम ये पूछ दे तो बहुव्रीहि मारिएगा। और इसमें तो आप पता ही चल रहा था, तो हमारा जो नैय समास हो गया। एक हमारा जो देवयाना, ये हमारा अलग समास है जो कि पदलोपी समास है, याद रखिएगा। तो देवयाना में कौन सा समास है जी, पदलोपी या मध्य हमारा जो है समास कह सकते हैं ना। फिर अगला हमारा जो छठा नंबर जो है रिक्त स्थान को पूरा करना है, इसको देख लेते हैं हमारा जो खाली स्थान में क्या आएगा। डॉट 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 सत्यस्य अपि हितम मुखम है ना, तो हिरण्मयेन पात्रेण यहाँ पे भरा जाएगा। इसके लिए भी श्लोक याद होना चाहिए, तब हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण, ये हमारा जो है इसमें जाएगा। चलिए फिर हमारा ख में हमारा है महतो महियाना, तो अनो अनियाना हमारा जो है, ये हमारा यहाँ से जो है पूरा ऊपर चला जाएगा, महतो महियाना में जुड़ जाएगा है ना। यहाँ पे सत्यमेव जयते, ये हमारा जो है पूरा जुटेगा नानिरितम है ना, सत्यमेव जयते नानिरितम, ये याद रहेगा श्लोक तभी हो पाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर याद कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर रटिए, रटने वाला चीज़ ही है यहाँ पे है कि नहीं। यथा नदा स्यंदमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे बिहार, अब देखिए तो यथा नदा स्यंदमाना समुद्रे, यहाँ तक तो है ही है ना। तो यहाँ पे मतलब जो है इसके पहले जो क्या भरना था, तो इसके पहले कुछ है ही नहीं, तो आप जो है यथा नदा स्यंदमाना हमारा जो है यहाँ पे भर सकते हैं ना। तो यथा नदा स्यंदमाना, ये हमारा जो नदा है हमारा जो है यहाँ पे एक छूट गया है यहाँ पे है ना, यही चीज़ है। तो यथा स्यंदमाना और हमारा जो समुद्र, ये तो है, नदा यहाँ पे नहीं है, तो आप जो है इसमें के छूटा हुआ पद भी आप जो है भर सकते हैं, नदा है ना ये हमारा। चलिए तमेवा विदित्वा मृत्यु मेती है ना, यहाँ पे विदित्वा चला गया, ये हमारा जो खाली स्थान में भरा जाएगा। चलिए आगे और भी हमारा जो है, ये लास्ट हमारा है शायद है ना। चलिए सतमा हमारा अधो निर्देशताम पदा नाम स्ववाक्य प्रयोग कुरुता, यानी कि इस पे वाक बनाना है। ये वाक कब बना पाइएगा, जब आप जो है
इस चैप्टर का श्लोक याद कीजिए। हम बार बार कह रहे हैं श्लोक जरूर याद कीजिएगा, बहुत जरूरी है, इसलिए बोला जा रहा है। देखिए सत्यम, सत्यम वहाँ पे था हमारा वर्ड, उससे हमारा वाक वहीं से बना सकते थे, नहीं तो सत्यम वद हो जाएगा, इससे हम जो कह सकते हैं ना। तो सत्यम वद हमारा जो है ए हमारा सत्य बोलो, है ना, सत्यम से बनाए। सत्यस्य, सत्यस्य मुखम अपिहितम, वो तो हम देखे थे तो वो भी हम बना सकते हैं, नहीं तो सत्यस्य आचरण कुरु, है ना, सत्य के जैसा आचरण करो, है ना, या सत्य का आचरण करो। गच्छन्ति से बालका गृहम गच्छन्ति, यानी कि बालके यानी कि लड़के हमारा जो घर जाते हैं, है ना। विमुक्त से आप क्या बनाइएगा, तो विमुक्त सा विमुक्त शोक अभवत, है ना, वह विमुक्त होकर के शोक रहित हो गया, है ना, ये हमारा हो गया। अनियह से आप क्या बनाइएगा, अनियह कह तादृश, ये हमारा जो वाक बनाना था। तो वाक जो हमारा जो बनाइएगा उसमें जो है इन्वॉल्व करके बनाया जाता है, जो कि आपको पता है, आप यहाँ पे कर लिए होंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम जो है आपके सामने जो है जितना भी हमारा जो है चैप्टर का हमारा क्वेश्चन आंसर था सारा लाए। तो जो लोग भी हमारा जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखे उनको मतलब जी हमारे तरफ से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जी, है ना। बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप जो है लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर जो आप चाह रहे हैं हमारे लाइव क्लास को डेली अटेंड करना, तो आप जो है विनर वॉइस से जुड़िए, डेली लाइव क्लास में आइए। 6:30 से 9:30 हमारा जो है क्लासेज चल रही है, जिसमें आगे साइंस होगा, फिर मैथ संस्कृत और हिंदी का क्लास मेरा होगा 7:30 से 8:30, फिर उसके बाद जो है आपको 8:30 के बाद जो है 9:30 तक 10 बजे तक आपको SST चलेगा। तो उम्मीद है आप लोग जो उस बैच में आइएगा।